आपके मोबाइल फोन पर भी ऐसे लुभावने मैसेज या फोन कॉल्स आते होंगे जिसमें कहा जाता है कि आपकी लाखों की लॉटरी लग गई है। कभी कोई लिंक भेजकर आपसे ठगी करने की कोशिश की जाती है। मोबाइल बैंकिंग के दौर में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़े। अब तक ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत मिलने पर उस नंबर के सिम कार्ड को ब्लॉक किया जाता था जिससे कॉल या मैसेज करके ठगी की गई। अब ऑनलाइन ठगों के सिम कार्ड के साथ साथ ठगी में इस्तेमाल मोबाइल हैंडसेट को भी ब्लॉक किया जा रहा है। इससे ठगी में इस्तेमाल मोबाइल का फिर से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधी सिम ब्लॉक होने पर आसानी से सिम कार्ड बदल लेते थे और दोबारा से ठगी करने लगते थे, लेकिन मोबाइल फोन ब्लॉक होने पर उनके लिए बार बार मोबाइल फोन बदलना आसान नहीं होगा। मोबाइल बैंकिंग के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड के केस भी तेजी से बढ़े हैं, इसलिए ऐसे केस में जुड़ी शिकायतों के लिए सरकार ने चक्षु पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा फ्रॉड करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इस वर्ष 30 अप्रैल तक फ्रॉड एसएमएस भेजने वाले 52 ठिकानों को ब्लैकलिस्ट किया और कार्रवाई करते हुए 348 मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया। इसी तरह 10,834 मोबाइल नंबर्स को वेरिफिकेशन के बाद 30 अप्रैल 2024 तक ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के मुताबिक फर्जी दस्तावेज पर लिए गए 1.66 करोड़ कनेक्शन बंद किए गए। पहले फर्जी दस्तावेजों पर ऑनलाइन ठगी करने वाले कई कई सिम कार्ड हासिल कर लेते थे ताकि पकड़े जाने का डर ना रहे। अब आगे से ऐसा करना भी संभव नहीं होगा। सिम कार्ड बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत दी गई है कि दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद ही सिम कार्ड बेचें। अगर किसी नंबर का इस्तेमाल अपराध में होता है तो सिम डिस्ट्रीब्यूटर पर भी केस किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस तो ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। कोई फ्रॉड मैसेज भेजता है तो उसकी चक्षु पोर्टल पर शिकायत करें। किसी से ओटीपी या पासवर्ड की जानकारी साझा ना करें। अनजान नंबर से आने वाले कॉल, मैसेज या लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी फर्जी दस्तावेज पर सिम कार्ड इशू ना कराएं। ऐसा करने से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं और आपकी सावधानी ऑनलाइन ठगों पर लगाम कसने में मददगार साबित होगी। Z News.